यहाँ पर देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। और होली से पहले यह जो होली का आयोजन किया गया था, इसमें लठमार होली, बरसाने की होली एवं गुलालों की होली और फूलों की होली जो कृष्ण और राधा संग ये प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वृंदावन में हैं, कांटाबांजी में नहीं। और यहाँ का माहौल ऐसा हो गया था जैसे वृंदावन में हम यहाँ साक्षात वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं, होली का आनंद उठा रहे हैं। और यह आज समापन का दिन था और ऐसा लग रहा था कि यह कार्यक्रम और आगे तक चले, लेकिन क्या करें, इनको मजबूरी थी। इंद्रदेव की कृपा, हालांकि पूरे दिन कांटाबाजी नगर पर रही, लेकिन शाम के समय लीला के समय इंद्रदेव ने इतना ठाकुर जी ने कि लीला के लिए बंद हो गए वो, इससे जनता जनार्दन भी आई और जनता ने नानी बाई के माहिरे में आनंद लिया। भगवान ने मोहरों की वर्षा की, एक एक लोगों को जो भी जनता आई थी सबको मोहर दिए। जनता ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करके भगवान के साथ खड़े होकर के भाग दिया और लीला का आनंद लिया। उसके पश्चात बल्कि होली के दर्शन ठाकुर जी ने आप सब लोगों को कराए। बहुत पूरी कांटाबाजी नगर की जनता जो भी यहाँ उपस्थित थी सबने बड़े आनंद से नाचा खाया और उसका लीला का आनंद लिया। अंत यही बात कहूँगा कि इस तरह के आयोजन नगर में होते रहें। रासलीला का आयोजन बहुत वर्षों से शायद यहाँ नहीं हुआ है और मेरी यही आयोजकों से अपेक्षा है कि आने वाले समय में साल में, डेढ़ साल में, दो साल में इस तरह के आयोजन करते रहें जिससे यहाँ की धर्म प्रेमी जनता को इस सबका लाभ मिलता रहे। आज यहाँ पे जो ब्रज की होली का जो प्रोग्राम हुआ वह बहुत ही आनंददायक रहा। हमको ऐसा लग रहा था कि हम बरसाने वृंदावन में ही हैं और लठमार होली हुई जो पूरा ऐसे ही लग रहा था कि हम बरसाने में ही इस होली का आनंद उठा रहे हैं। सभी भक्तगण बहुत हर्ष उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, वह भी बहुत अच्छा लगा। मैं कमेटी की सभी की बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने यह प्रोग्राम होली के समय पे यह प्रोग्राम हुआ, यह बहुत ही आनंददायक था। यहाँ पे सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, हजारों की तादाद में सभी महिलाएं हिस्सा ली और आनंद उठाई। होली राधा कृष्ण की जोड़ी तो साक्षात भगवान जुगल किशोर की जोड़ी लग रही थी और हमें तो उनके चरित्र का पूरा यहाँ पे आंखों देखकर चरित्र का दर्शन हुआ और सभी भक्त यहाँ पे राधा कृष्ण के साथ झूम के होली खेला। हमें साक्षात भगवान के दर्शन हुए, हमें ऐसा लगा।